हरिपुर नाम के शहर में पप्पू का ढाबा था जो बहुत ही मशहूर था। यह ढाबा इतना मशहूर था कि यहाँ पर आसपास के लोग खाना खाने आते थे। यहाँ पर एक बार लोग खाना खाने के बाद उसका स्वाद नहीं भूलते थे। अगर उस गांव में कोई भी आदमी कुछ काम आता तो उस ढाबे का खाना खाए बिना नहीं जाता। जितना वो ढाबा मशहूर हो रहा था उतना ही उसके मालिक का भी घमंड बढ़ रहा था। अगर उस ढाबे के अंदर कुछ खाना बच जाता तो उसे फेंक देते थे, लेकिन किसी गरीब को या जानवर को नहीं देते थे। मालिक, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है बाबूजी, कुछ खाने को दे दो। अरे जा जा, आगे जा, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ दे दो खाने को, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है बाबूजी। सुबह सुबह पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं, मुंह उठा के सारा दिन खराब कर दिया। रामू, ओ रामू, इसे बाहर तो निकाल। रामू भिखारी को धक्के मार मार कर ढाबे से निकाल देता है, लेकिन उसके मालिक को दया नहीं आती और भिखारी भूख के मारे बेहोश हो जाता है। मालिक, ये तो बेहोश हो गया सर। तो मैं क्या करूं? इसे तू दुकान के सामने से हटा, ग्राहक के आने का टाइम हो रहा है। जी मालिक। मालिक मालिक, लगता है ये मर गया। अरे ये क्या बोल रहा है? मालिक मैं सही बोल रहा हूँ। तुम एक काम करो, इसे जो ढाबे के पीछे कुआं है उसमें फेंक दो और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। जी मालिक। रामू, किसी को कुछ पता तो नहीं चला, किसी ने देखा तो नहीं? नहीं मालिक। आज का तो दिन ही खराब गया और कोई ज्यादा ग्राहक भी नहीं आए। कल सभी टाइम पर आ जाना, नहीं तो तुम्हारे पैसे काट लूंगा। जी मालिक। मालिक अपने नौकरों को छुट्टी दे देता है और अपने घर आ रहा होता है, तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है। अरे मेरा वहम होगा। फिर वो जल्दी जल्दी अपने घर आ जाता है। अरे भाग्यवान, जल्दी से खाना लगा दो, बड़े जोरों की भूख लगी है। जी अभी लाई। जैसे ही उसकी पत्नी खाना लेकर आती है, भिखारी भूत वहाँ पर आ जाता है और उसकी पत्नी के धक्का मार देता है और पूरा खाना बिखर जाता है। अरे भाग्यवान, ये क्या किया, सारा खाना गिरा दिया। जी पता नहीं कैसे गिर गया, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो। आज का तो सारा दिन ही खराब गया। अगले दिन मालिक ढाबे पे चला जाता है और काउंटर पे बैठ जाता है, तभी एक ग्राहक आता है और खाने का ऑर्डर कर देता है। रामू जल्दी से खाना लेकर आओ, ये कैसा खाना है, इतना तीखा। क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं है? ये कैसा खाना है? रामू, ओ रामू, आज तुमने ये कैसा खाना बनाया है? मालिक पता नहीं कैसे हो गया, खाना तो अच्छा ही बनाया था। आज भी मालिक की कमाई नहीं होती है और उसका खाना पूरा वेस्ट चला जाता है। भूत यह देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। अगले दिन, आज ऐसा खाना बनाना कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। और सभी नौकर खाना बनाने के लिए लग जाते हैं और खाना बनाकर तैयार कर देते हैं। खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही है। तभी ढाबे पर एक ग्राहक आता है। रामू जल्दी से खाना लाओ भाई, खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही है। ग्राहक खाना खाने के लिए जैसे ही बैठता है तो उसकी रोटी गायब हो जाती है। अरे रोटी कहाँ गई, अभी तो थी। वह डर जाता है और रामू को आवाज लगाता है। रामू, रामू। जी साहब, क्या हो गया साहब? अरे रामू, मेरी रोटी गायब हो गई। अरे ऐसे कैसे हो सकता है साहब, आपका वहम होगा। तभी उसका ग्राहक भाग जाता है और उसके मालिक को समझ नहीं आती कि ये कैसे हो रहा है, और यह काम रोज का हो जाता है और उसकी कमाई भी बिल्कुल कम हो जाती है। एक दिन की बात है, शहर से कुछ लोग गांव की तरफ जा रहे थे, तभी पप्पू का ढाबा उसे दिखाई देता है और वो उसके अंदर रुक जाते हैं, बैठकर खाना ऑर्डर कर देते हैं। तभी उनका खाना जाता है और उनकी शाही पनीर की सब्जी एकदम चिकन की बन जाती है, और वो जैसे पानी पीने के लिए गिलास उठाता है तो वहाँ पर भूतिया भिखारी आ जाता है और उस गिलास को लेकर उनके सिर पर कुड़ा देता है। अरे इस ढाबे पर तो भूत है। और वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। देखते देखते इस ढाबे पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी और सभी लोग यहाँ पर आना भी बंद हो गए थे, और इस ढाबे को अब भूतिया ढाबे के नाम से जानते हैं। एक रात की बात है, सेठ पैसे लेने के लिए गल्ले के पास जाता है, लेकिन वो गल्ले को खोलते ही पैसे की जगह वहाँ पर भिखारी की नाड़ कटी होती है। अरे ये तो वही भिखारी का सर है जिसे मैंने कुएं में फेंकवा दिया था, फिर ये इधर आया तो आया कैसे? मालिक की आवाज सुनकर सभी ढाबे के लोग आ जाते हैं। क्या हुआ भाई साहब, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? ये देखो, हमारे गल्ले में भूत है, यहाँ उस भिखारी की खोपड़ी रखी है और उधर से पैसे गायब है। यह सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। अरे भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? जाओ तुम एक बार गल्ला खोल के देख लो, तुम्हें वहाँ एक खोपड़ी मिलेगी
वो एक भूत है भूत। वो आदमी मालिक की बात मानता है और गल्ले को जाकर खोलता है तो उसके अंदर पैसे रखे होते हैं और कोई नाड़ नहीं होती। अरे क्या भाई साहब, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपने नींद में कोई सपना देख लिया है, आपको आराम करने की आवश्यकता है। अरे नहीं भैया, मैंने यहाँ सच में एक खोपड़ी देखी थी। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मालिक उसकी बात सभी को बताता है लेकिन उस पे कोई विश्वास नहीं कर रहा होता है। तभी उसका नौकर वहाँ पर आ जाता है। अरे मुझे ऐसा लगता है कि ये सब वो भूखा भिखारी कर रहा है, इसे आपने कुएं में फेंकवाया था, वही उसके भूखे होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी और इसी वजह से उसकी आत्मा हमारे ढाबे में भटक रही है और आपको दिन रात परेशान कर रही है। रामू मुझे भी यही लग रहा है, तुम सही बोल रहे हो, पर अब इस बात का क्या इलाज है? तुम मुझे ये बताओ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन पागल हो जाऊंगा और मेरा ढाबा भी बंद हो जाएगा। आप चिंता ना करिए मालिक, मैं एक बाबा को जानता हूँ, मैं आपको उनके पास लेकर चलूंगा, उनके पास हमारी परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होगा, ऐसा मेरा उनके ऊपर विश्वास है। मैंने उनका काफी नाम भी सुना है, वो सबकी परेशानी दूर कर देते हैं। रामू और उसके मालिक अगले ही दिन एक बाबा के पास चले जाते हैं और उसे पूरी बात बता देते हैं। ये तुमने क्या किया, तुमने एक भूखे भिखारी की जान ले ली, उसकी आत्मा भूख की वजह से ही तुम्हारे ढाबे में भटक रही है और तुम्हें परेशान कर रही है। बाबा जी हमारी मदद करो, हमसे गलती हो गई, हम कभी नहीं करेंगे आगे से ऐसा, हमें माफ कर दो, माफ कर दो बाबा। बाबा अपनी शक्ति से भिखारी की आत्मा को बुलाते हैं। मुझे किसी ने परेशान किया तो मैं सबको मार डालूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से कभी किसी भी भिखारी को भूखा नहीं जाने दूंगा। मालिक भिखारी से माफी मांगता है और बाबा गंगा जल लेके उसे मुक्त कर देते हैं और उसे गरीबों को खाना खिलाने के लिए बोलते हैं।